दोस्तों रियलमी इंडिया में लॉन्च करने वाला रियलमी GT नियो 3 फोन को 29 अप्रैल को और पोको ग्लोबली लॉन्च करने वाला है पोको F4 GT फोन को 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को ये फोन ग्लोबली लॉन्च होने के बाद इंडिया में भी बहुत ही जल्द ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोको F4 GT और रियलमी GT नियो 3 फोन के बारे में। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपेरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या डिफरेंस है ये दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। पोको F4 GT फोन में डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। इसमें नॉस्टेरो नहीं मिलेगा, छोटा सा 5 इंच होने वाला है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया जाएगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT नियो 3 फोन, इसमें डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। और इसमें छोटा सा एक 5 इंच दिया जाएगा सेंटर में। रियलमी का यह पहला फोन है जो सेंटर में नॉच दिया जाएगा। ये फोन का एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 94.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। तो दोनों फोन का डिस्प्ले में यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं, ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो पोको F4 GT फोन में इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का फोन पर नेट अपर्चर के साथ में दिया जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। और जो टार्ट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का दिया जाएगा मैक्रो लेंस। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT नियो 3 फोन, इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल का फोन पर नेट अपर्चर के साथ में दिया जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। और जो टार्ट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। दोनों फोन का रियर कैमरा में यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है, थोड़ा सा बेटर यहाँ पे होगा रियलमी GT नियो 3 फोन का कैमरा। और इसमें OIS भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो सेंसर है यह सोनी का सेंसर दिया जाएगा जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो पोको F4 GT फोन में 20 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का साथ में 5 इंच सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT नियो 3 फोन, इसमें 16 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में 5 इंच सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा में कोई LED फ्लैश देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओको F4 GT फोन में थोड़ा सा बेटर कैमरा हो सकता है सेल्फी कैमरा। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो पोको F4 GT फोन में क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड है 3 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। GPU का बात करें तो एड्रोनो 730 GPU देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT नियो 3 फोन, इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड है 2.85 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। GPU का बात करें तो माली G610MC6 GPU देखने को मिल जाता है। दोनों प्रोसेसर का प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर जो है ये 4 नैनोमीटर पर आधारित है, 4 नैनोमीटर पर चलता है। और यहाँ पे बात करें तो डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर ये 5 नैनोमीटर पर आधारित है, 5 नैनोमीटर पर चलता है। और दोनों फोन का वॉइस यूजर इंटरफेस का बात करें तो पोको F4 GT फोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और साथ में MIUI 13 दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT नियो 3 फोन, इसमें भी एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और साथ में रियलमी UI 3.0 दिया जाएगा। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो पोको F4 GT फोन 3 वारंट पे आएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 8 GB RAM 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। जो हाई मिड वारंट होगा 8 GB RAM 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। जो हायर वारंट होगा 12 GB RAM 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT नियो 3 फोन, इस ये फोन भी 3 वारंट पे आएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 6 GB RAM 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। और जो मिड वारंट होगा 8 GB RAM 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। जो हायर वारंट है 12 GB RAM 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते, मेमोरी कार्ड अलग से नहीं लगा सकते। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो पोको GT फोन में, पोको F4 GT फोन, इसमें 4700 mAh का बैटरी दिया जाएगा। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 120 वाट्स का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। 17 मिनट्स में बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी GT नियो 3 फोन, इसमें 4500 mAh का बैटरी दिया जाएगा। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो
150 वाट्स का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट्स में 50% चार्ज कर देगा बैटरी को और फुल चार्ज आने में 20 मिनट्स लग जाएगा, 20 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। तो चार्जिंग पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे चार्जर का वाट ज़्यादा दिया गया रियलमी जी टी नियो 3 फोन में, लेकिन जो फुल चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 21 मिनट्स में फुल चार्ज होता है, और यहाँ पे बात करें तो 17 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है यहाँ पर पोको F4 GT फोन। दोनों फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में USB टाइप सी 2.0 दिया जाएगा। दोनों फोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाता है, और दोनों फोन का 3.5mm ऑडियो जैक का बात करें तो दोनों फोन में 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया, टाइप सी दिया गया है, टाइप सी देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, दोनों फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। पोको F4 GT फोन में इसमें लिक्स का थ्रू पता चल रहा है इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है, तो मुझे ज़्यादा लगता है इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा, और हो सकता है इसमें साइड माउंटेड भी फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाए, तो ये लिक्स का थ्रू पता चल रहा है इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन में ग्लास बैक होने वाला है और एल्यूमिनियम का बॉडी दिया जाएगा, इसमें फ्रेम दिया जाएगा, तो काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो दोस्तों दोनों फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ इंडिया में, तो दोनों फोन का प्राइस पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो ये दोनों फोन यहाँ पे लिक्स का थ्रू पता चल रहा है ये 30,000 से स्टार्टिंग होगा। पोको F4 GT फोन का जो बेस्ट वारंट होगा 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस जो स्टार्टिंग होगा 29,999 रुपीज से ये स्टार्टिंग होगा, इसे लिक्स का थ्रू पता चल रहा है, या फिर हो सकता है 30,999 रुपीज से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी जी टी नियो 3 फोन, ये फोन का प्राइस भी ऐसे ही होने वाला है लिक्स का थ्रू पता चला है, जो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 29,999 रुपीज से स्टार्टिंग होगा, या फिर हो सकता है 31,999 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाए। तो ये प्राइस कन्फर्म नहीं, आपको क्या लगता है क्या इसी प्राइस पर ये दोनों फोन लॉन्च किया जाएगा जो स्टार्टिंग होगा, या फिर इससे ज़्यादा होने वाला है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों फोन का लॉन्च डेट का बात करें तो रियलमी जी टी नियो 3 फोन, ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 29 अप्रैल को, और ग्लोबली ऑलरेडी ये फोन लॉन्च हो गया है। यहाँ पे बात करें तो पोको F4 GT फोन, ये फोन ग्लोबली लॉन्च होने वाला है 26 अप्रैल को, और इंडिया में भी या इस मंथ का अप्रैल का मंथ में लास्ट में या फिर मई का फर्स्ट वीक में ये फोन लॉन्च हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है, हो सकता है लॉन्च किया जाए। तो दोनों फोन का दोस्तों स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। यह डिपेंड करता है प्राइस पर, किस प्राइस पर कौन सा फोन लॉन्च किया जा रहा है, जो फोन का प्राइस कम होगा उसी फोन परचेस करना सही रहेगा। दोनों फोन में स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन दिया गया है, एक दो चीज़ का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि रियर कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया रहेगा रियलमी जी टी नियो 3 5G फोन में, और यहाँ पे बैटरी यहाँ पे थोड़ा बढ़िया देखने को मिल जाएगा पोको F4 GT 5G फोन में। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों फोन में ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन होने वाला है, और दोनों फोन का बीच में काफ़ी बड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन बताए हूँ, ये दोनों फोन इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, और ये जो स्पेसिफिकेशन है ये ग्लोबली स्पेसिफिकेशन है, हो सकता है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में आ जाए, या फिर कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, ये तो इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। जब ये दोनों फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, फिर से डिटेल्स में फुल डिटेल्स में और एक वीडियो बना दूंगा, तो फिर आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा फाइनली। तो यह अभी कंफर्म कुछ नहीं बता सकते, दोनों फोन का प्राइस भी अभी कंफर्म नहीं है, और जो स्पेसिफिकेशन है ये ग्लोबली स्पेसिफिकेशन है, इंडिया में वही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा या फिर कुछ डिफरेंस होने वाला है, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है क्या ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ये दोनों फोन आएगा, और क्या प्राइस होने वाला है ये दोनों फोन का, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस तो वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। तो बस तो वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।